भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भाग
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 आज से कृष्ण लीलाएं शुरू होने जा रही है, जिसका आप आनंद लें। प्रतापगढ़ से पधारे हुए हमारे श्री माधव जी शास्त्री, जिनके मुखारविंद से भागवत गंगा का रसपान किया जा रहा है, आप सब पधारें और लाभ लें। इसी क्रम में खबर 24 के चैनल के माध्यम से श्री लोकेश जी मकवाना, जिन्होंने भवानी मंडी में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, एक अलग पहचान बनाई है, इस भागवत कथा का प्रसारण रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खबर 24 के मंदसौर जिले के रिद्धि सिद्धि केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 24 पर और झालावाड़ जिले के रेड बॉक्स के चैनल नंबर 992 पर भागवत कथा का प्रसारण हो रहा है। आयोजन खबर 24 न्यूज 7 वर्षों से जिले में धार्मिक कार्यक्रम, समाज के कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाता आ रहा है। खबर 24 न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें 7 सालों में अपने 20 लाख दर्शकों को चैनल से अवगत कराया है, यानी कि इस खबर 24 न्यूज चैनल के 15 से 20 लाख दर्शक बन चुके हैं और ये पहला चैनल है जिले का जो यूट्यूब से भी इसकी जनवरी में रनिंग शुरू हो जाएगी। चैनल के संचालक लोकेश मकवाना की कथक मेहनत के साथ इस चैनल ने अपना नाम रोशन किया है। हम सब चाहते हैं खबर 24 को उन्नति करे, प्रगति करे और इसी तरह धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में भवानी मंडी में अपनी सेवाएं देता फिरे। क्षेत्रीय राजपूत समाज सभा की ओर से खबर 24 का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा खबर 24 के जो भी प्रतिनिधित्व यहाँ उपलब्ध हैं, कृपया मंच पे पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। खबर 24 के जो भी प्रतिनिधित्व, 2-3-4 जो भी खड़े हैं, कृपया मंच पे पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे बाबू भाई, जिनके माध्यम से आवाज आप तक पहुंच रही है, बड़े ही अच्छे साउंड के ऑपरेटर हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आप माई स्टाफ के मंच पे पधारे। आपका भी स्वागत अभिनंदन है, बहुत ही अच्छी आपकी जो सेटिंग है साउंड की, हमारे कलाकारों को पसंद आई है, तो आप भी मंच पे पधारें। आज जार के भी पत्रकार यहाँ पर, जो दो टीमें हैं दोनों यहाँ आएगी, उनका भी स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए और बिना रुके हम कथा का श्रवण करें। मैं सोचता हूँ समय हमारे पास बहुत कम है और जो है वो कीमती है, क्योंकि मात्र 3 दिन की कथा और बची है। तो हाँ, आइए, आप आइए, सुनिए। जो भी सदस्य हैं कृपया आगे आए। हाँ, जो भी है आगे आए। समिति के द्वारा गुरुदेव का स्वागत किया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है, माल्यार्पण किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। यही समिति है जिसके माध्यम से आप तक ये कथा गुरुदेव पहुंचा रहे हैं।
आइए। स्वागत समारोह के बाद हमारे प्रजराज सिंह जी बाकी रह गए हैं स्वागत में। आप याद रखें 31 तारीख को नानी बाई का महारा इसी मंच पे शाम 7 बजे, दिनांक 31 की शाम को 7 बजे। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। गाय दो मामा जी रिच। हाँ गा दो एक भजन गा दो। सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निभद्दनी विवलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराग्रती अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव उपवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जा सुरदय आगार बसही राम सर चाप दर आइए हनुमत विराजिए कथा करो मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार सियाराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगवानी अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय सज्जनार्थम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेश लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं तम वंदे रघुनंदनम तम वंदे रघुनंदनम। भगवान स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमो नमः। भगवान परात्पर परक्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाह कल्पतरु तड़ुंदित विनिंदित पीताम्बरधारी निर्विकार निर्विकल्प निरंजन निराकार आनंद कंद परमानंद राधिका और चंदन भगवान श्री राघवेंद्र राजा रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में प्रणाम एवं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का अनुसरण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पिनाक पाणी ओडर दान या आशुतोष कालों के काल बाबा महाकाल के श्री चरणों में वंदन करते हुए
भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम। इस गांव भवानी मंडी भेसोदा मंडी में जितने भी स्थापित देवी देवता हैं, सभी स्थापित देवी देवताओं से इस पवित्र व्यास मंच से प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, हमारे ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, सात स्वरों के उपासक, संगीत साथी, हमारे टेंट वाले भैया, साउंड वाले भैया, और ये 24 चैनल के माध्यम से जितने भी रसरसिक श्रोता यहाँ पर अपने घर में बैठ कर के जो देख रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी को हमारा भाव भरा और जितने भी इस समाज के, इस क्षेत्र के भाव भरे आमंत्रण निमंत्रण से पधारे हुए माँ सती गार्गी अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ऐसी आप तमाम मात्र शक्तियों और जितने भी रसरसिक श्रोता यहाँ पर विद्यमान विराजित परीक्षित स्वरूप, आप सभी को हमारे कथा के शुभारंभ में, कथा के आरंभ में आप सभी को हमारा भाव भरा, प्रेम भरा, प्यार भरा, स्नेह भरा, वात्सल्य भरा, करुणा भरा जय श्री कृष्णा। बोलो हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, व्यास जी महाराज की, शुभदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की, सदगुरु देव की, और जो बातें कर रहे उनकी भी, जो नहीं बोल रहे उनकी भी। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज कथा के कितने दिन पूरे होने वाले हैं? 6 दिन, 5 दिन है ना, लेकिन फिर भी जनसंख्या में वही आदत पड़ी हुई है। कौन सी? कि कोई तो 2 बजे आएगा, कोई 3 बजे आएगा, कोई 4 बजे आएगा, बहुत सारे यहाँ 5 बजे भी आएंगे। मैं निवेदन करूँ सज्जनों कि भगवान हर जगह पीछे रहो, लेकिन भगवान की कथा में आगे होना चाहिए, सत्संग में आगे होना चाहिए। जो पहले आता है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। सोने वाले सोते रह जाओगे। जिंदगी कितने सालों की है? माना कि 100 साल भी मान लो तो 100 में से 50 साल तो सोने में निकल गए। 24 घंटे में से कितने घंटे सोने में निकाल देते हो? कुछ क्षण भगवान के लिए भी निकालो। मैं तो कहूं, भगवान कहते हैं कि भले 24 घंटे मैंने इंसान को दिया है, लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे इंसान के लिए रख ले और 1 घंटा मात्र मेरा भजन सुन ले, तो मैं उसको 23 घंटे में से कभी जीवन में दुख नहीं आने देता हूं। ये मेरा आशीर्वाद है। मात्र 24 में से 1 घंटा भगवान के लिए देना है। आप बहुत सारे विचार कर रहे हैं कि महाराज 1 घंटे की जगह हम तो रोज 7 दिन दे रहे हैं, उसका क्या? तो जो 7 दिन देता है, भगवान को सब मालूम है कि 7 दिन में व्यक्ति कितना पाप करता है। अगर आप 3 घंटे यहाँ नहीं बैठते तो कहीं ना कहीं आपसे पाप ही होता, और यहाँ बैठे हैं तो आप पुण्य अर्जित कर रहे हो हमारा। और कथा भाग्य से नहीं मिलती, कथा पुण्य से मिलती है। युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के सत्संग में मन लग पाता है, अन्यथा नहीं लग पाता, भले हम कितना भी प्रयास करें। बहुत सारे कथा में जैसे तैसे यहाँ आ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन कहाँ रहता है? बहुत सारे विचार करे कि मैं कथा में तो आके बैठ गई, लेकिन क्या पता बहू रानी घर के अंदर तिजोरी में नकली चाबी नहीं लगी रही है। कथा में बैठ तो जाते हैं, लेकिन मन तो कहाँ पर डोल रहा है? बहुत सारे कह रहे क्यों कथा में गए थे? हाँ गए तो थे, पर बैठा तो था, लेकिन मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता वो 2 बजे ड्यूटी करके आएंगे तो वो टिफिन नहीं खाएं, तो उनकी आदत है जब तक मेरे को नहीं देखते ना, वो जब तक वो भोजन नहीं करते हमारे। हम लोग बैठे यहाँ पर हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप महाराणा प्रताप के उस वंशज में से बैठे हो। आप में से किसी की मांग थी कि महाराणा प्रताप, सज्जनों धर्म के लिए कौन लड़ा? धर्म के लिए लड़ा। अरे नौबत आ गई तो घास की रोटियां खाना मंजूर कर लिया,
लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाया महाराज, सर नहीं झुकाया। ऐसे महाराणा प्रताप के उस वंशज में हम और आप सभी बैठे हो। कहना चाहूंगा कि उस क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले आप लोग हो। तो आइए एक बार आप सभी के पूर्वजों के लिए एक भजन, और इसी के साथ में अपनी वाणी को भी पवित्र करें और फिर कथा में आनंद लेते हैं। किसी ने गाया है बहुत सुंदर, क्या हल्दी घाटी में हल्दी घाटी में समर नो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रोस बार कठे मायड़ तारो वो पुत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में सबल लड़ो चेतक रोस बार कठे मायड़ तारो मोहबूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे जय हो भारत माता की। बेबाचो है इतिहास में बेबाचो है इतिहास में माया तेरे राहुत जड़ा धन पान ल जायो नी थारो धन पान ल जायो नी था के रासो मन रे बाधिया सारा पड़ गया मुड़ रे आगे वो झुको नहीं नर नारियो बड़ी से नारे सूरज में बाड़ रतन हिंदुआ सूरज में बाड़ रतन मो में बाड़ी सरदार कटे किले दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे वो महाराणा प्रताप कटे हल्दी घाटी री माटिया हल्दी घाटी री माटिया लागे केसर और चंदन है माथा पे तिलक करा अण दो माथा या रण भूमि तीरथ भूमि या रण भूमि भूमि दर्शन करवा मन ललचावे हे वीर सुर मारिया दा हिगड़ा में जो
फलती घाटी में समय लड़िया फलती घाटी में समय लड़िया मोचे तक जो सिवाय कठे मायण तरो भोपुट कठे एक लिंग दीवान कठे ओ महाराणा प्रताप कठे ओ महाराणा प्रताप कठे ओ महाराणा प्रताप कठे आइए इसी के साथ में अब कथा में हम प्रवेश करें। सज्जनों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि दुख का समय जल्दी निकलता है कि सुख का समय? बोलो, दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। सुख की अपेक्षा शांति का समय जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। शांति की अपेक्षा परम शांति का समय जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। परम शांति की अपेक्षा आनंद का समय जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और आनंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय जल्दी निकल जाता है, मालूम भी नहीं चलता है। जैसे आप लोगों को बुखार आ जाता है तो वो समय वो रात कैसे कटती है? जैसे मानो कि एक साल से बीमार हो रहे हो और आपके शादी ब्याह का समय होता है तो वो कितने जल्दी निकल जाते पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर भी कल आप और हम सभी ने मिलकर के नंद उत्सव मनाया। भगवान जन्म कहाँ हुआ और आनंद उत्सव कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर भी जब नंद बाबा की दो बहनें हैं, क्या नाम है, नंदा और सुनंदा, जब नंद महल में पता चला है के बुढ़ापे में बेटा भयो है, तो महाराज यहाँ पर आनंद नहीं, यहाँ तो ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। सज्जनों ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। पहले कुछ कथा अधूरी थी, कल आप नाचने गाने में रह गए, कथा तो कोई सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा वो अब मन नहीं लगेगा क्योंकि ढोल बजने लगे थे, इसलिए अब आप सब पीछे देखने लगे थे। और अभी भी आपकी आदत है, यहाँ कोई आएगा ना तो आप सब यहाँ देखोगे, इधर कोई नहीं देखेगा, है ना। तो बहुत सारे तो यूं देखते हैं कि यार ये मेरे से महंगी साड़ी पहन करके कैसे आ गई है, है ना। तो साड़ी को देखने में दुखी हो रहे थे, कपड़े को देखने में दुखी हो रहे थे, बहुत सारे देख रहे मेरे से ज्यादा सुंदर तो नहीं लग रहा यहाँ कोई। तो मैं निवेदन करूँ कि आप अपनी नयनों को थोड़ा काबू में रखें। और कारागृह के अंदर मेरे ठाकुर ने अवतार लिया और जन्म लेकर के नंद बाबा से कहा, वसुदेव जी महाराज से कहा कि पिताजी मैं छोटा बनूंगा, आपने बहुत घोर तप किया था और आपने मांगा था कि तुम समान सुत में तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूँ, तो मैं खुद आपके यहाँ बेटा बनकर के आया हूँ। तो एक काम करना कि मुझे यहाँ से मथुरा से गोकुल में नंद बाबा के वहाँ पर जाकर के सुला देना, वहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, वो ले जा करके कंस को सौंप देना। नंद वसुदेव जी कह रहे हैं कि लल्ला मैं क्या ये काम कैसे करूंगा, मेरे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। तो भगवान कहता है कि मैं ब्रह्म हूं और जो व्यक्ति ब्रह्म का स्पर्श करता है वो सारे बंधन छोड़ देता है, छूट अपने आप छूट जाते हैं, और माया को पकड़ेगा तो बंधन अपने आप बंध जाते हैं, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, मुझे टोकरी में ले जाकर के सुला कर के आना, छोटे बने। और वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं, चले तो हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई, सारे सैनिक सो रहे थे, सन्नाटा छाया हुआ, पशु पक्षी किलोर कर रहे हैं, चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ पड़ा। लेकर के चलने लगे, दरवाज़ा खुलने लगा, खिड़कियाँ बंद खुलने लगी और जाने लगे, यमुना आई, शीतल मंद सुगंध मंद मंद बारिश होने लगी। वहाँ गए गोकुल में, लल्ला को सुलाया और बेटी को लिया, लेकर के आए कारागृह में, जैसे दरवाजे खुले थे वैसे फिर बंद हो गए। आठवें में पूछा क्या हुआ, सैनिकों ने कहा आठवें में कन्या हो गई। कंस ने कहा मैं कन्या को नहीं मारता, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर इस कन्या के फिर काल हो गया, बेटा हो गया, और वो अगर तुम्हारा काल होगा तो। तो कंस ने कहा ठीक है मैं इसको पकड़ता हूँ, कन्या के पैर पकड़े और आकाश में घुमा करके पटकने ही वाले थे, इतने में तो योग माया थी, वो तो योग माया प्रकट हो गई। वो कहती रे कंस तू
तू मुझे क्या मारेगा, अरे तेरे काल ने तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, ढूंढ सकता है तो उसको ढूंढ मारा। मैं तो कहूं पहले मात्र एक कंस था और आज घर घर में कंस बैठा हुआ। पहले तो एक कंस था जिसने एक बेटी को मारा था, लेकिन आज घर घर में कंसनिया है। अरे महाराज, उस कंस में और इस कंस में फर्क सिर्फ इतना है कि उस कंस ने तो मातृ गर्भ से बाहर आकर के बेटी को मारा था, और आजकल तो गर्भ में ही बेटियों को मारा जा रहा है। महाराज, तो सबसे बड़ा कंसनिया तो हम हुए कि नहीं हुए? शिक्षा लेना जीवन में, बेटी से नफरत न करें। और इतने में अब ये सारी वार्तालाप थी कहां की? ये तो मथुरा की थी। अब आइए कहां चले? गोकुल में। नंद बाबा की दो बहनें थी, क्या नाम है? नंदा और सुनंदा। इनको मालूम चलने लगा कि 6 महीने बाद इसके बेटा होगा, तो वो 6 महीने पहले ही आकर के बैठ गई। और यशोदा के गले में 9 लक्खा हार था, और जब खुशी होती है तो वो हार के चक्कर में 6 महीने पहले ही घर बार छोड़ करके यहाँ पियर में आकर के बैठी हुआ कि इसके कोई लल्ला या बेटा होगा ना तो ये मुझे खुशी में सब कुछ दे देगी। तो आज नंद बाबा की दोनों बहनों को पता चला है कि रोने की आवाज सुनी, तो दोनों बहनों ने आकर के क्या बजाई? क्या बजाई? आपके यहाँ बेटा होता है या बेटी होती तो क्या बजाते हैं? थाली बजाई महाराज, और जोर से थाली बजाई। बधाई हो बधाई। बोले क्या हुआ? बोले लाला भयो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। के सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम् त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य ही भगवान आज अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हो अवतार लेकर के आया है। तो धीरे धीरे सब बात फैलने लगी। कहां पर बात होने लगी? पूरे गोकुल में आनंद के लहर छा उठी महाराज। तो यहाँ पर सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, यहाँ तो ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है महाराज। दौड़ते हुए गए, एक सखा ने जाकर के किसको कहा? नंद बाबा को कहा। तो नंद बाबा तो यमुना के किनारे बैठे हुए थे, और नंद बाबा को एक सखा ने कहा, पिताजी आप तो पिताजी बन गए हो। तो महाराज नंद बाबा यमुना नदी के किनारे बैठे थे, ऐसे कैसे नदी में कूद गए? और 108 डुबकी लगाई, बगलबंदी पहनी, चौबंदी पहनी, मुछो पर ताव लगायो, इत्र लगायो, और लगा करके कहता कि ला जरा दर्पण लेकर के आइयो, मैं कैसा लग रहा हूँ? मानो 80 साल के दादाजी 21 साल के लग रहे हो। यह बेटा हो, यह पिता बनने की खुशी में आज दौड़ते हुए गए, देखा तो लल्ला भी मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ऐसी दिव्य कथा, ऐसी अवर्णनीय कथा। धीरे धीरे नंद बाबा ने आकर के 2 लाख गायों का दान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, और तिल के बड़े बड़े पहाड़ बना करके दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को, लुटा रहे ले जाओ। क्यों? क्योंकि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके घर आ जाए वहां किस चीज की कमी होती है महाराज। और 2 लाख गाय भी कैसी दान दी, जिसके पैर और सिंह सोने से मड़वा करके दान दिया। आप लोग भी दान देते हो? कौन सी गाय दान देते हो आप? कि वाह ये दूध तो दे ही नहीं रही, अब काम की तो है ही नहीं, तो दे दो ब्राह्मण को। ऐसी गाय दान नहीं, 2 लाख गौ माता के दान में दी ब्राह्मणों को। और बड़े बड़े तिल के पहाड़, बड़े बड़े जौ के पहाड़, बड़े बड़े चावल के पहाड़ बना बना करके दान लुटाया जा रहा है, बधाइयां बांटी जा रही। जैसे आप लोगों ने भी कल आनंद लिया था, ऐसे बधाइयां बांटी गई है। कोई कलर फेंक रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई इत्र लगा रहा है, कोई पुष्प फेंक रहा है। सज्जनों, हमारे घर में एक मामूली सी बेटा जन्म ले लेता है, एक मामूली सी बेटा जन्म लेता है, तो हम लोग मिठाइयां बांटते, फटाके फोड़ते हैं। और यहाँ तो बुढ़ापे में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया, उसकी क्या खुशी रही होगी साहब। धीरे धीरे वृंदावन में चर्चाएं होने लगी, तो ये जितनी भी सखियां थी ये क्या करके गई? 16 श्रृंगार कर रही है साहब, 16 श्रृंगार करके जा रही थी। तो एक 80 साल की दादी जी ने पूछा कि देवियों कहाँ जा रही हो?
तो वो गोपियां कह रही कि दादी जी, अरे नंद बाबा और यशोदा के बुढ़ापे में लल्ला भयो है, तो हम ओको बधाई देने जा रही है 16 श्रृंगार करके। हाँ, 80 साल की दादी जी कह रही है कि महाराज, अरे मेरा मन भी कह रहा है कि मैं भी 16 श्रृंगार करके बधाइयां देने जाऊं, लेकिन समझ में नहीं आता है चुनरी और लहंगा कैसा पहनो जाए। तो महाराज, अटेची पर धूल जमी हुई, 80 साल पहले उस दादी जी की शादी हुई थी। अब विचार करो, वो 80 साल पहले काल चुनरी और लहंगा कैसा चलता था और आज कैसा चल रहा है, उसका भाव देखो। उसने कहा, महाराज मैं भी चुनरी और लहंगा पहनूं, तो अटेची पर धूल जमी साफ किया और उसमें से चुनरी और लहंगा निकाला, पहना। अब 16 श्रृंगार करना आता नहीं है। एक गोपी को बोला, गोपी इधर आना, मुझे भी तेरे जैसा श्रृंगार कर दे। गोपियां कह रही, हमको इतना टाइम नहीं कि हम तुझे सजाएं, इसलिए ये लो 16 श्रृंगार की सामग्री, आप ही खुद मेकअप कर लो हमारा। तो अब वो थोड़ी मालूम कि कौन सी चीज कहाँ लगाई जाती है, तो आंखों वाली बालों में, बालों वाले गालों में, गालों वाले कानों में लगा करके 16 श्रृंगार करके पहुंच गए नंद बाबा के महल में। और सब आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं बधाई हो बधाई, माखन के लड्डू बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। तो महाराज, दादी जी के पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, लड्डू बना बना करके फेंक रहे, वहां बूढ़े आदमी का कौन सुने नाचने के लिए। महाराज वहां तो सब आनंद ले रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति क्या करे, खड़ी है बिचारी। एक ने जोर से जयकार लगाई, बोले बाल कृष्ण लाल की जय करने के लिए मुंह खोला, तो एक माखन का लड्डू उड़ता हुआ आया। दादी जी के दांत तो थे नहीं, डायरेक्ट अंदर गया। तो दादी जी कह रही, ये सब क्या हो रहा है। तो एक गोपी कह रही कि दादी जी, पूरा लड्डू जिमी गया हो ने, फिर पूछी रहा कहीं करी रहा हो, मारा क्या कर रहे हो। इतना भाव लेकर के आज आनंद ही आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, और इस उत्सव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक महीने तक उत्सव ही उत्सव हुआ है, और जितनी भी ब्रज बलिताएं थी, जितनी भी ब्रजंगनाएं थी, जितनी भी आबाल वृद्ध बूढ़े, सब उस उत्सव में नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद ही आनंद ले रहे हैं। और ऐसा आनंद ले रहे हैं, ऐसा आनंद ले रहे हैं कि आकाश से देवता भी तरस रहे हैं कि काश हम भी इस वृंदावन का एक वृक्ष होते तो शायद इस आनंद का दृश्य देख सकते। ऐसा वर्णन, ऐसा गुणानुवाद कर रहे हैं। देखते ही देखते सज्जनों, भगवान लल्ला और नंद बाबा और रोहिणी उदास है। रोहिणी को यशोदा गई मना करके लेकर के आई, क्यों उदास हो, बोले मेरा पति कारागृह में बंद है। और इधर नंद बाबा और वसुदेव, कंस ने एक दिन के लिए छोड़ा, और इधर वसुदेव जी नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे थे, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की चर्चा होती है, ऐसी दिव्य कथा। और 7 दिन के बाद में कौन आया, इधर कंस ने मीटिंग बुलाई। और मैं तो कहूं कि कंस की मीटिंग में दम नहीं है, अरे मीटिंग में तो ये भवानी मंडी वाले और राजोदा मंडी वालों की मीटिंग में दम है। कंस ने जो मीटिंग बुलाई थी वो कृष्ण को मारने की मीटिंग थी, और आप लोगों ने जो मीटिंग बुलाई है कृष्ण को बुलाने की मीटिंग थी महाराज। तो ये मीटिंग का भी फर्क होता है। तो आज कंस ने मीटिंग बुलाई, और त्रणावत बकासुर धेनुकासुर अगासुर कालिया नाग बड़े बड़े राक्षसों का अपने मीटिंग में एकत्रित किया, अपने मीटिंग में बुलाया, और कहा कि कृष्ण को जो मारेगा, मेरे काल को जो मारेगा, उसका मैं इनाम घोषित करूंगा, मैं उसको पारितोषिक एक इनाम देकर के उसको सम्मानित करूंगा। तो वहां पर खड़ी थी कौन, कौन खड़ी थी, पूतना। और पूतना खड़ी थी, इसका शरीर कितना लंबा चौड़ा, 7 कोस का लंबा चौड़ा शरीर, काली कलूटी, और आकर के कंस से कहती कि मैं मार दूं तो तुम्हारे काल को। तो कंस कहता कैसे मारोगी, बोले मेरे पास में मेरा दूध जो एक बार कोई बेटा या कोई बच्चा पी लेता है तो वो कभी उठता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जहर छुपा हुआ है, जहर भरा हुआ है। अच्छा, तो लेकिन तेरा तो 7 कोस का लंबा चौड़ा शरीर, तुझे वहां जाने कौन देगा। तो बोले मैं अपने रंग रूप को बदलना जानती हूँ। सज्जनों, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, अष्टमी के दिन, और पूतना कब आई, चतुर्दशी के दिन, यानी कि 7वें ही दिन। 7वें दिन कौन आया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई।
अब सब आनंद खुशियां मना रहे हैं। पुतना ने वेश बदला और पहुंच गए नंद महल में। और यशोदा री यशोदा, बोले क्या हुआ? बोले बधाई हो। यशोदा कह रही आपका परिचय? बोले मेरे को नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारे काका की बेटी की, छोटे वाले भाई की बेटी हूँ। महाराज इतना लंबा चौड़ा परिचय कौन याद रखे? भीड़ में कोई ना कोई अपना ही होगा तो आया होगा। हाँ आइए पधारी है, क्या चाहती हूँ? बोले मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि बुढ़ापे में भगवान ने तुमको बेटा दिया है, तो मैं भी बधाई देने आई हूँ। कहाँ है तेरा लल्ला? बोले जाओ वह पल्ला में सो रहे हो। और जाकर के जैसे पूतना गई तो देखा, तो क्या देखा सज्जनों? क्या देखा? छोटे बड़े भैया कौन है? दाऊ भैया पल्ले को पकड़ करके झूला दे रहे हैं और अंदर भगवान ने अपने चरण को मुंह में दबा रखा है और मंद 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 मुस्कुरा रहे हैं। मोर पंख लगा रखा है। इतनी सुंदर द्रव्य झांकी का दर्शन आप अपने हृदय में उतारे। और इतने में तो कौन पहुंच गई वहां पर? पूतना। बोले 3 महीने पहले और 3 महीने बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उन सबको मैं मार दूंगी। और ये भाव लेकर के आई और देखा तो सज्जनों भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान ने देखते ही आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव भगवान ने पूतना को देखकर के नेत्र क्यों बंद किए, क्या कारण है? तो उस वक्त सुखदेव महाराज राजा परीक्षित जी को वर्णन करते हुए कह रहे, राजन भगवान ने पूतना को देखकर के आंखें इसलिए बंद करी कि भागवत जी में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि क्यों बंद करी, लेकिन सब भाव व्यक्त करते हैं संत। कोई तो यूं कहता है कि भगवान के एक आंख में सूर्य है और दूसरे आंख में चंद्रमा है, सूर्य की किरण अगर इसके ऊपर पड़ गई तो ये जल करके राख हो जाएगी। और दूसरा कोई संत तो यूं कहता है कि भगवान ने ध्यान लगा करके यूं देखा कि महादेव मैं तो दूध पीने आया हूँ लेकिन ये मुझे जहर पिलाने आई है, इसलिए दूध दूध तो मेरे लिए रख लो और जहर जहर आप पी लो क्योंकि आपके हैबिट में है। कोई महादेव का नाम लेता है और कोई यूं कहता है कि भगवान ने आंखें बंद करके पूतना को ध्यान लगा करके देखा कि ये कौन है, इसको कौन सी गति देनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि सुखदेव महाराज कहते, राजन भगवान इतने कृपालु कि जो माँ यशोदा को गति देनी चाहिए वो पूतना को देने की सोची भगवान ने। सभी संत अलग अलग भाव कहते लेकिन मेरा कहना तो ये है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी है कि भगवान कहता है कि तू लूली है, तू लंगड़ी है, तू काली है, तू गोरी है, तू जैसी है वैसे मेरे सामने आ जाती तो शायद मैं तेरा दर्शन कर लेता, लेकिन तू रंग रूप को बदल करके आई, ऐसे प्रदर्शन करने वालों का मैं कभी दर्शन नहीं करता, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली मारा। इसलिए आप क्या सोचते हो, हम भगवान को 56 भोग लगाएंगे तो राजी हो जाएंगे? हम क्या सोचते हैं, क्या भगवान को ये चढ़ाएंगे तो भगवान राजी हो जाएंगे? कभी नहीं महाराज। अरे भगवान तो केवल भाव से राजी होते हैं। अरे आप जीवन में याद रखना, जो भी कर्म करो तो भगवान को समर्पित करके करना, भगवान को समर्पित करना। जैसे आप भोजन भी बनाते हो तो कैसे बनाते हो आप? पहले गोपियां भोजन बनाती थी, रसोई बनाती थी, तो वो 2400 घंटे भगवान राम और कृष्ण का भजन गा करके बनाती थी, इसलिए उसको भोग बनना था। पहले क्या बनता था? पहले भोजन भोग बनता था और अब क्या बनता है? खाना। पहले रसोई घर हुआ करती थी और अब क्या हो गया? किचन। रसोई घर और किचन का मतलब क्या होता है? रसोई कहते हैं कि जिसमें रस बरसे उसको रसोई घर कहते हैं, और किचन किसको कहते हैं? जहां सास और बहू की दोनों की किच 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 चलती रहे उसे किचन कहते हैं, है ना? सज्जनों जो भी काम करो वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे आप अगर एक निवाला भी खा रहे हो तो हे भगवान ये भी तेरा है, हे भगवान ये जमीन भी तेरी है, ये शरीर भी तेरा है। आप लोग एक सेल फोन एंगेजमेंट के बाद में अगर कोई आपका सामने वाला होने वाला जो भी हो वो आपको अगर एक सेल फोन गिफ्ट में दे देता तो आप उसको 50 बार बोलते हो थैंक यू थैंक्स, है? अरे मात्र एक फोन और एक मोबाइल देने मात्र से आप उसको धन्यवाद कह रहे हो। और जिसने आपको ये सुंदर शरीर दिया उस भगवान को कभी थैंक यू कहा आपने? एहसान फरामोश है के नियम है? एक कथा याद आती है महाराज,
एक लड़की की एंगेजमेंट हुई तो उसको ससुराल वालों ने एक नथनी दी गिफ्ट में, तो वो नथनी की तारीफ कर रही है सखियों के बीच में, सहेलियों के बीच में, क्या कह रही है कि देखो तो सर इस नथनी की नक्काशी जयपुर में की गई है, इस नथनी में इतने जोरदार हीरे लगे हुए कि जोधपुर में कोई नहीं लगा सकता, इस नथनी की कलाकारी देखो हमारे गांव में ऐसी किसी के पास में नहीं होगी, वो लड़की यूं कह रही है। तो उसी लड़की के पीछे कबीरदास जी महाराज चल रहे थे, तो कबीरदास जी ने सुनी इस लड़की की बात, तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वो कह रहे हैं कबीरदास जी महाराज कि वाह दुनिया की बालिका, अरे नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने तो उसको दिया विसार। इसका क्या मतलब? कबीरदास जी कह रहे हैं कि वाह दुनिया के लोगों वाह, अरे नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और अगर नथनी की तारीफ कर रही हो और भगवान ने ये नाक दी, ये नाक कभी तारीफ की थी आप है? अगर भगवान ये नाक नहीं देता तो तू नथनी कहाँ पहनती है हमारे है? तो नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उसको दिया विसार। अरे जो नाक भगवान ने इतनी सुंदर दी, कभी आपने मंदिर जाकर में ये नहीं कहा कि भगवान ये इतनी सुंदर नाक देने के लिए धन्यवाद। नाक नहीं होते ना, खाली नथनी गिफ्ट में दे देते तो क्या करते, हाथ में पहनते क्या? इसलिए सज्जनों भगवान भी देखता है कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, इसलिए कभी ना कभी तो धन्यवाद दोगे, तो भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ये कथा क्या है? ये मंदिर में जाकर के क्या, मंदिर आस्था का केंद्र हुआ करता है सज्जन, है ना? एक आस्था का केंद्र होता है ताकि वहां जाकर के भगवान को सिर्फ धन्यवाद, हम उसको क्या दे सकते हैं, अरे उसने अपने को दिया, हम उनको क्या दे सकते हैं। इसलिए ये सत्संग होता है कि तुम सत्संग के माध्यम से दुनिया भगवान को याद करती रहे, बस यही तो कथा है। तो पूतना को देख करके भगवान ने आंखें मूंद ली, और अंत में पूतना पास में गई और कन्हैया भगवान को उठाया गोदी में, और उठा करके क्या किया, अपने वक्षस्थल को निकाल करके दिया, भगवान ने पीना प्रारंभ किया। तो पहले क्या पिया? पहले दूध को पिया, फिर जहर को पिया, फिर पूतना के रक्त को पीने लगे, फिर पूतना के प्राणों को भी पीने लगे, और अंत में प्राण पीने लगे तो पूतना में घबराहट होने लगी। और कोई सा भी राक्षस जब होता है ना, तो वो जब शरीर छोड़ता है तो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। महाराज पूतना चिल्लाने लगी और अपने 7 कोस के लंबे चौड़े शरीर को लेकर के उड़ी, कन्हैया को लेकर के उड़ी। पूतना कहती मुंच 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 तुम छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे। भगवान कह रहे कि मैं जिस भक्त को पकड़ लेता हूँ वो जीवन भर नहीं छोड़ता। और महाराज देखते ही देखते पूतना के सारे प्राण पी गए। अब मैं आपसे पूछूं कि 7 कोस की लंबी चौड़ी स्त्री अगर इस भैंसोदा मंडी में गिरेगी, पहले बात तो यूं बताओ 7 कोस कितना होता है? 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो कितने लंबी चौड़ी, 21 किलोमीटर का उसका शरीर है। अब उसकी एक उंगली भी अगर आपके घर पे गिर गई, तो महाराज ऐसा लिखा है कि पूरे गांव को तोड़ते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। अब बताओ भगवान कहाँ है? उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। यशोदा तो बेहोश हो गई, अब हिम्मत वाले व्यक्ति अब इतने बड़े बदन पर चढ़े कैसे, कैसे चढ़े? तो ऐसा लिखा है कि सीढ़ियां बनाई गई लकड़ी की और निशन्नी बना करके उसके ऊपर चढ़ा हिम्मत वाला व्यक्ति, और गोविंद को उतार करके नीचे लेकर के आया, और अंत में गंगी गाय के नाम से उसकी पूंछ से उसकी नजर उतारी। अच्छा यूं बताओ, नजर का खटका पहले भी था कि आज भी है? कैसे उतारते नजर? 3 मिर्ची, 3 जगह की मिट्टी, और वो क्या कहते हैं झाड़ू का, है ना? बहुत सारे तो यूं कहते हैं, देख मानी जा नहीं तर खाड़ाती अतरी नजर उतारूंगा थारी, यानी कि जूते से। सज्जनों ये नजर का खटका पहले भी था और नजर का खटका आज भी है, ये भाव है। यशोदा के नेत्र खुले, यशोदा कहती
बुढ़ापे में भगवान ने एक छोटा सा लल्ला दिया और वो भी कोई राक्षस उड़ा करके ले गया। आज के बाद में मैं किसी का यकीन नहीं करूंगी। गौमूत्र के प्रोक्षण किए और लिखा है कि पूतना के अंगों को काट करके जलाया गया। अब इतनी बड़ी स्त्री को अगर जलाना हो तो कितनी लकड़ियां चाहिएगी, और लकड़ियों की व्यवस्था की गई, उसको जलाया गया, उसके अंगों को प्रत्यंग किया गया तो कस्तूरी की सुगंधी निकली। तो परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव ये तो राक्षसी थी, इसके बदन से तो बदबू आनी चाहिए, खुशबू क्यों आई? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन भले ही ये राक्षसी थी लेकिन कृष्ण भगवान थे और ब्रह्म का स्पर्श हुआ, इसकी बदौलत ये पवित्र बन गई, इसलिए इसके अंदर से कस्तूरी की सुगंधी निकली सा। अब तो ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम है रत्नमाला। आपने कल कथा सुनी राजा बलि की, अरे भगवान वामन बनकर के जब बलि को लूटने आ रहे थे तो यही रत्नमाला खड़ी हुई, क्या कह रही थी भगवान को देख करके कि इतना सुंदर बालक आ रहा है कि मेरा मन करता है कि इसको पकड़ करके दूध पिला दूं। तो भगवान ने कहा तथा अस्तु, लेकिन जब राजा बलि को भगवान लूट करके चले गए तो यही रत्नमाला क्या कह रही है कि इतना दुष्ट बालक है कि मन करता है ना कि इस बालक को पकड़ करके जहर पिला दूं। तो भगवान ने कहा वो भी इच्छा पूरी करूंगा। तो आज वही रत्नमाला यहाँ पर पूतना बनकर के आती है, ने एक बार तो भगवान ने पहले दूध पिया और फिर बाद में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जहर पिया। सज्जनों भगवान कहता है कि जो व्यक्ति जैसा भाव लेकर के मेरी पूजा करेगा वैसा मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा। भाव कैसा भी रखो आप, कैसा भी संकल्प हो, लेकिन भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। कैसा भी भाव लेकर के बैठो सर, समय निकलता गया। देखो साहब, भगवान कहते हैं कि जो भी काम करो, जो भी कर्म करो, मुझे अर्पण करो तो मैं उसको आशीर्वाद देता हूं। देखो साहब, एक दक्षिण में एक दादी जी थी, विठ्ठलनाथ की भक्तण थी वो। कथा ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री कृष्ण। विठ्ठलनाथ की भक्तण थी और वो जो भी काम करती वो भगवान को यूं कहती कि हे भगवान तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। वो भोजन भी खाती तो यूं कहती भगवान ये भी तेरे अर्पण। वो फूल तोड़ने जाती तो कहती भगवान ये फूल भी तेरे अर्पण। और पहले के जमाने में गाय भैंस का गोबर उठा करके यूं फेंकती थी ना, क्या कहते उसको, रोड़ी में, तो वो गोबर भी फेंकती थी तो यूं कहती है भगवान ये गोबर भी तेरे अर्पण। और सब चीज भगवान को अर्पण करके करोगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो वो गोबर फेंक रही है महाराज, तो एक दिन नारद जी वैकुंठ में गए, तो वैकुंठ में गए तो नारद जी नाग पकड़ रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण भगवान कह रहे हैं क्यों नाग क्यों पकड़ रहे हो? तो बोले महाराज आपके वैकुंठ में ये गोबर की बदबू क्यों आ रही है, क्या गौशाला खोल ली क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि गोबर की इसलिए बदबू आ रही है कि क्या बताऊं, दक्षिण में एक मेरी भगत ऐसी है कि वो हर चीज मेरे अर्पण करती है और वो रोड़ी में गोबर फेंकने जाती है ना, तो हे भगवान ये गोबर भी तेरे अर्पण। तो वो वहां फेंकती नहीं, यहाँ ढेर लग गया। नारद जी ने कहा रुको रुको रुको, अभी मैं उसका उपाय करता हूँ। नारद जी गए और जाकर के एक, कौन है तू, कौन है? बोले मैं भगवान की भक्त हूँ, ये गोबर क्यों फेंक रही है? जाकर के एक थप्पड़ मारी उसको, थप्पड़ मारी मारा तो वो दादी जी कह रही कोई बात नहीं, आज के बाद ऐसा काम मत करना, वहां वैकुंठ में ढेर लगा दिया तूने, हर चीज भगवान को अर्पण करती है। इतना कहकर के नारद जी ऊपर गए तो भगवान चारभुजानाथ गाल पे हाथ भर के बैठे हुए। उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज, आज के बाद में आपके यहाँ सफाई करवा दो, कोई गोबर उबर नहीं आएगा, लेकिन ये गाल पे हाथ क्यों रख रखा आपने? बोले महाराज ये आप ही की वजह से हुआ। बोले क्यों? बोले आपने थप्पड़ कहाँ मारी? बोले विठ्ठलनाथ की भक्तण उस दादी जी को मारी। तो बोले जब थप्पड़ मारी तो उस दादी जी ने यूं कह दिया कि भगवान ये थप्पड़ भी तेरे अर्पण। तो मारी वहां और गाल यहाँ लाल हो गया हमारा है। इसलिए भगवान कहता है कि तू जितना भी दुख देख चाहे सुख देख, हर चीज परमात्मा को समर्पित करके करोगे तो वो भगवान भी दुख अपना झेल लेता है। यानी कि एक थप्पड़ तक भगवान खा लेता है भक्त की, तो दूसरा दुख कैसे आ सकता है? ऐसा कब होगा? जब हर चीज परमात्मा को समर्पित करेंगे तब जाकर के ऐसा होगा। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अच्छा किसने किया, कि मैंने मेहनत करी जब हुआ के, ने अगर बुरा तो बोले भगवान की मर्जी थी। अच्छा करो तो हम और बुरा करे तो भगवान की मर्जी,
भगवान भी जानते हैं कि ये दुनिया के लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरे साथ में दगा करते हैं, इसलिए भगवान को समर्पित करोगे। भोग भी बनाओ तो ठाकुर को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए, तो वो भोग वो खाना नहीं होता, वो क्या बन जाता है, वो भोजन बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। यहां से आगे आज यशोदा को मालूम पड़ा है कि मेरे कन्हैया को पूतना जैसी राक्षसी उड़ा करके ले गई, आज के बाद भी मैं किसी का विश्वास नहीं करूंगी और किसी के हाथ में मेरे कन्हैया को मेरे लल्ला को नहीं दूंगी। और निलाती तो मां निलाती, भोजन भी कराती तो अपनी गोदी में बिठा करके कराती। और वही समय आया, कौन सा, जब जब रामा अवतार में भी आपने कथा सुनी कि जब जब मेरे प्रभु का 24 अवतार हुआ है तब तब उनका दर्शन करने के लिए कौन आते हैं, रामा अवतार में भी दर्शन करने आए थे कौन, भोला मेरे भोलेनाथ दर्शन करने आए। तो यहां पर भी आए, भभूति लगा रखी है, भस्मी रमा रखी है और हाथ में डमरू और त्रिशूल लेकर के पहुंच गए नंद महल के दरवाजे पर, द्वार पर, द्वार खटखटाया और कहा अलग खोल दे पलक और देख ले झलक, योगी आया है योगी। यशोदा ने जैसे दरवाजा खोला तो खोल करके फिर बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि अरे ओ माई मुझे देख करके दरवाजा क्यों बंद करती हो, बोले तू कौन है, बोले हम काशी से योगी आए हैं, काई के लिए, बोले तेरे लल्ला का दर्शन करने आए हैं। यशोदा कहती है कि पहले अपना तो दर्शन सुधार ले फिर मेरे लल्ला का दर्शन करूं। अरे महाराज छोटे छोटे कानों में बिच्छू की कुंडल है, छोटे छोटे सर्पों की माला है, गले में मुंडों की माला है और भस्मी रमा रखी है, हाथ में डमरू और त्रिशूल है और तेरे इस स्वरूप को और छोटे छोटे भागंबर पहन रखे, छोटे छोटे बाजूबंद रूपी सर्प पहन रखे, और महाराज ऐसे स्वरूप को देख करके मेरे छोटो सो लल्लो कहीं डर गयो तो, इसलिए मैं तो नहीं करूं, क्योंकि अभी 7 दिन पहले पूतना जैसी राक्षसी मेरे लल्ला को उड़ा करके ले गई और तेरे इस छोटे से सांप को देख करके मेरे छोटो सो कन्हैयो है कहीं डर गयो तो। महादेव कह रहे हैं कि इन सर्प से क्या डरेगा, वो 1000 शेष नाग के फण पर सोने वाला वो छोटे से सर्पों से क्या डरेगा, हमारा नहीं डर सकता। वो कहती मैं तो दर्शन नहीं करूं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। बाल हट, क्रिया हट, योगी हट, ये 4 हट अगर कोई कर ले, स्त्री भी हट कर ले वो काम करके मानती है और योगी भी हट कर ले तो वो काम करके मानता है। तो यहाँ पर योगी कहता है कि अगर तू दर्शन नहीं कराए ना तो मैं भी तेरे घर के बाहर भस्मी रमाऊंगा, और आज नहीं तो तेरा लल्ला 5 साल बाद बड़ा होगा तो गुटमुन गुटमुन चलेगा, तो जब मैं दर्शन कर लूंगा। तो यशोदा कहती है कि मेरे यहाँ पर 84 दरवाजे हैं, ये दरवाजा बंद कर दूंगी। तो महादेव कह रहे हैं कि चल ठीक, तेरी मर्जी नहीं है तो हम भी भस्मी रमाते हैं। बैठ गए वृक्ष के नीचे और त्रिशूल गाड़ दिया और भस्मी रमा रहे, और भोलेनाथ अपने शब्दों में क्या गा रहे हैं, है खुशियों की परमार ब्रज की गलियों में, नाचे गाए हैं हर इंसान ब्रज की गलियों में, आए शंकर जी भगवान ब्रज की गलियों करने का ना का दीदा, ब्रज की गलियों Thank you.
आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, खाना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, काना तेरी गली में, झलक पाने आया रे मोहन, झलक पाने आया बाबा तेरी गली में, डारी आया बाबा तेरी नगरी में। विश्वास मुझको लाया रे मोहन, विश्वास मुझको लाया बाबा तेरी गली में, वाले सा मेरे बच्चे वाले सा, दिखा दे लाला की झलकी, दर्शन में करके जाओ रे मोहन, दर्शन में करके जाओ बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, हो गया रे परवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, जो मेरा जोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, के जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, करके कहां पर आए, वृंदावन में आया, और हम लोगों का घर छोड़कर के कथा पांडाल में आने का मन नहीं कर रहा है, और महादेव को देखो कि कथा सुनने की इच्छा हुई तो वो आश्रम छोड़कर के कुंभज ऋषि के यहां राम कथा सुनने गए, कैलाश पर्वत कहां और कुंभज ऋषि का आश्रम कहां, और भोलेनाथ कहता है कि जो मेरे हरि की कथा सुनता है उसका और कोई भला करे ना करे लेकिन मैं तो उसका उद्धार जरूर करता हूं, मैं तो उसका उद्धार जरूर करता हूं। भोलेनाथ कहते हैं कि मैया, जैसे ही भोलेनाथ ने दो कदम आगे बढ़ाया लल्ला पल्ले में सो रहे हो जोर जोर से रोने लगा, यशोदा उसको उठाती है लेकिन आवाज रोना बंद नहीं करता, इतने में गोपी आई, क्या हुआ यशोदा क्यों रो रहा है,
तो यशोदा कह रही मोह को तो ऐसा लगे है कि बाहर जो वो योगी खड़ो है ना, वहां से वो कोई मंत्र पढ़ रहे है और असर यहाँ हो रहे हो। क्या हुआ? वो क्या चाहता है? बोले वो चाहता है कि मेरे लल्ला का दर्शन करा दूं, लेकिन मैं तो ना ही करूं महाराज। उसके गले में छोटे छोटे सर्प घूम रहे, कहीं डर गए तो? वो गोपी कहती क्यों जिद करती, करा देना दर्शन। गोपी ने उठाया, यशोदा कहती है कि योगी मैं दर्शन तो करूं लेकिन 7 कदम दूर से करूं। महादेव कह रहे तू भले 7 कदम दूर से करा चाहे 700 कदम दूर से करा, लेकिन तेरा लल्ला तो 24 घंटे मेरे दिल में बैठा रहता है। आई और जरा सा मुखड़ा को हटाया, भगवान रोते हुए बंद हुए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और महादेव यानी कि हरि और हर का मिलन होता है, दोनों के नेत्रों में आंसू की धार वह चलती है। हरि और हर का मिलन हुआ है। और भोलेनाथ कहते बाबा कब पधारोगे वैकुंठ में, आपके बगैर वैकुंठ सुना लगता है। तो उस वक्त मेरे भगवान कन्हैया कहता है कि मैं जरा इस पृथ्वी का कचरा साफ कर दूं, इसके बाद मैं जरूर आऊंगा। भगवान कब आते हैं इस पृथ्वी पर? या तो पुण्यात्माओं के पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि पृथ्वी पर भगवान उन पुण्यात्माओं को आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ता है, या फिर पापाचार्यों के पाप इतने बढ़ जाते हैं कि उन पापियों का संहार करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन भगवान कभी किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं आए। भगवान काय के लिए आते हैं? पुण्यात्माओं को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। लेकिन वो उन्होंने विचार किया कि जब आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ तो गया हूँ, तो क्यों ना हाथ में झाड़ू तो है ये, तो ये कचरा भी जरा साफ करता हुआ चला जाऊं, इसलिए पापियों को भी मार करके चले जाते हैं महाराज। इतना कहकर के महादेव यहाँ से चले जाते हैं और हरिहर का मिलन होता है। और अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, भगवान कितने साल के हुए? 1 साल के। तो नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, तो बड़े बेटे का नाम क्या है हाथ में लेकर के बैठे और कहा महाराज नामकरण संस्कार करो। तो बड़े कौन है? दाऊ भैया। क्या नाम है इसका? तो भगवान गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ये हल रखेगा साथ में। हल का मतलब सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का समाधान जिसकी जिंदगी में है, इसलिए इसका नाम ये हल रखेगा। इसलिए इसका नाम मैं रखता हूँ हलधर। बल अधिक होने की वजह से मैं इसका नाम रखता हूँ बलराम। और इसका संकर्षण हुआ है, इसलिए इसका नाम रखता हूँ संकर्षण। अब छोटे बेटे का क्या नाम है? तो छोटे लल्ला का नाम रख रहे हैं क्या? ये कृष्णम आकर्षणम करोति इति कृष्ण। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा उसका नाम कृष्ण रखता हूँ, मधुसूदन रखता हूँ, गोपाल रखता हूँ, माधव रखता हूँ, कन्हैया रखता हूँ, लाला रखता हूँ। और इसके जगह जगह पर मंदिर होंगे, जगह जगह पर इसका सत्संग होगा, इसकी कथाएं चलेगी। और जैसा जैसा ये काम करता चला जाएगा वैसा वैसा इसका नाम पड़ता चला जाएगा। तो जैसे भगवान के ये 1000 नाम जो पड़े, ये कैसे पड़े? इन्होंने ऐसा काम किया। जैसे कोई ज्यादा चोरी करता तो उसका क्या नाम पड़ जाता है अपने गाँव में? क्या कहता है? अरे वो तो चोरो है, चोलटो है ना, यही कहते हो ना। जो ज्यादा खाता उसका भी नाम पड़ जाता। तो यहाँ पर भी भगवान ने जैसे जैसे लीलाएं करी वैसा वैसा उनका नाम पड़ता चला गया। जैसे गो माता को आगे चराएंगे तो उनका नाम पड़ जाएगा गोपाल। वो ज्यादा भागते थे इसलिए उनका नाम पड़ गया माधव है। वो ज्यादा गिरिराज को उठाया था इसलिए उनका नाम पड़ गया गिरिराज धरण। ऐसे जैसे जैसे काम करोगे वैसा वैसा उनका नाम होता चला जाएगा। ऐसे ऐसा तेरा लल्ला होगा। और गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि ये कोई मामूली बेटा नहीं है, अरे ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर भगवान है। तो गर्गाचार्य जी से इशारा किया भगवान ने कि अरे बाप रे, तुमने भगवान बना लिया और मेरी माँ ने भी अगर मुझे भगवान मान लिया तो छोटा सा मंदिर बना देगी और उसमें मुझे बिठा देगी, थोड़ा सा भोग सुबह और थोड़ा सा शाम को लगा देगी, दिन भर मेरे ऊपर मक्खी गिरती रहेगी, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा मां, इसलिए मुझे तो भगवान नहीं बनता। क्या बनना? भगवान भी कहता है कि मुझे भगवान नहीं, मैं भी एक माँ का लाल बनूं, मुझे भी कोई माँ का दुलार मिले। इसलिए भगवान कहते हैं कि गर्गाचार्य जी मुझे भगवान मत बनाना, और इन सबके दिमाग में जो आपने रूपरेखा डाली है भगवान की, ये हटा दो, यूं कह दो कि ये तो मामूली इंसान है, बेटा है। इस प्रकार से दोनों का सभी का नामकरण संस्कार हुआ। और यहाँ से आगे चल करके धीरे धीरे भगवान 2 साल के हुए, गुटमुन गुटमुन चलने लगे।
चलते 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 किसी ने पूछा, मोर पंख धारण कर रखा भगवान ने, क्यों किया मोर पंख धारण? इसलिए किया सज्जनों कि रूप दिया, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप कंठ रूप दिया कोयल को, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, और रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, और इच्छा दी इंसान को तो संसार छीन लिया, और संसार दिया संत को तो मोक्ष छीन लिया, और मोक्ष दिया देवी देवताओं को संसार चलाने के लिए तो उनसे सारी मनोकामना छीन ली। सज्जनों मोर का पंख इसलिए धारण करते हैं कि संसार में जितने भी नर नारायण जितने भी है सबके मन में काम भाव रहता है, लेकिन मोर एक ऐसा व्यक्ति है कि काम नहीं रहता है, मोर नाचता है और सामने एक मयूरनी उस मोर की आंखों आंसुओं को पी लेती है जिससे गर्भ धारण हो जाता है। इसलिए भगवान कहता है कि जो निष्कपट है, निष्कामी है, निस्वार्थ है और निष्कामी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को सदा मैं अपने माथे पर धारण करके घूमता रहता हूँ हमारा। इसलिए निस्वार्थ बनो, निकामी बनो, निष्कामी बनो, ये मेरा गोविंद का वाक्य है। आज भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, गुटमुन गुटमुन चलने लगे, 2 साल के हुए, धीरे धीरे 3 साल के हुए तो तृणावत आया। कंस ने भगवान को मारने का प्रयास बंद नहीं किया, किसको भेजा? तृणावत को भेजा। तृणावत का मतलब समझ रहे हो ना, जो चक्रवात आता वो घूमता हुआ आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और अंत में भगवान ने अब चोरों की मंडली बनाई, श्रीदामा, दीपक, मधुमंगल, इस प्रकार से 16 मित्रों की टोली बनाई, और अब भगवान की मटकी फोड़ लीला प्रारंभ होती है। तो अब आनंद लेना, क्योंकि सज्जनों कभी हंसने का मन करे तो मेरे गोविंद की चपल लीलाओं को सुन सुन करके हंस लेना, कभी गाने का मन करे तो मेरे गोविंद के भजनों को गा लेना, और कभी रोने का मन करे ना तो कृष्ण की याद में 4 आंसू बहा लेना, और कभी गाली देने का भी मन करे तो भी भगवान को गाली दे देना। क्यों? क्योंकि गोपियों ने सारा काम भगवान के साथ में किया है। गाली देने का भी मन किया तो गोपियों ने ठाकुर को गालियां भी दिए। अगर आपके मन में कोई बात है तो दुनिया के सामने मत प्रस्तुति देना, क्योंकि ये दुनिया का हाल ऐसा है कि रो रो करके आपसे आपके मन की बात कह देंगे, पूछ लेंगे और हंस हंस करके चौराहे चौराहे पर उड़ा दिया करेंगे। इसलिए मन की बात ठाकुर से कहना, मन की बात परमात्मा से कहना, मन की बात मेरे गोविंद से कहना। तो आज यहाँ पर मटकी फोड़ लीला, आज का जो दिन है ये भागवत की कथा 7 दिन के लिए 7 रस में और 7 राग में कथा गाई गई है, और आज का राग कौन सा है? ये हास्य व्यंग की कथा है। आज का जो दिन है वो हंसने का दिन है, है ना? भगवान कृष्ण के जीवन में ज्यादा दुख था कि आपके जीवन में ज्यादा दुख है, बताओ? भगवान कितने दिन के थे और दुख आया था? 7 दिन के थे और पूतना आई, फिर थोड़े बड़े हुए तो तृणावत आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, मगासुर आया, कालिया नाग को नाता, इसके बाद में महाभारत का युद्ध कराया, फिर भी वहां पूरी शांति नहीं। अरे भगवान का विवाह हुआ, शादी हुई तो उसमें भी भागा दौड़ी ही रही, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रभा क्षेत्र में बैठे तो वहां भी मरते मरते शरीर छोड़ते छोड़ते भी बाण लग गया चरणों में, दुख ही दुख आया, लेकिन फिर भी भगवान कभी गाल पर हाथ धर के बैठे हो, ऐसी कहीं चित्र देखा आपने कि उदास हो गए? ना, अपने यहाँ, अपने यहाँ केवल पतिदेव का माथा दुखने लग जाए इतने में तो यूं कहते हैं कि बाप रे बाप, मेरे पति का माथा दुख रहा है, क्या करूं, मेरे तो बहुत दुख आ गया है, बहुत कष्ट हो रहा है। मैं निवेदन करूं सज्जनों कि भगवान कहते हैं कि तुम लोगों के जीवन में क्या दुख है? अरे दुख तो मेरे जिंदगी में आया, फिर भी मुस्कुराते रहो, अहर्निश मुस्कुराने की शिक्षा मेरे कन्हैया ने दी है। इस दुनिया में कौन सुखी है? कौन सुखी है बताओ ना? अरे बाली कहे कि मैं बड़ा, महादेव कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथ से क्यों उठा, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के काक में क्यों पड़ा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाणों से क्यों मरा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। इतने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, जो बड़े और छोटे की झंझटों से जो दूर खड़ा वही इस दुनिया में सबसे बड़ा है। अरे बड़ा कब बनते हैं?
कब बनते हो बड़े? आलू बड़ा, दही बड़ा। ये बड़ा कब हुआ? महाराज बड़ा बनना है तो पहले जीवन में दुख देखो। कैसे? ये आलू बड़ा का नाम बड़ा क्यों पड़ा? ये दही बड़ा का नाम बड़ा क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि पहले इन्होंने दुख देखा। क्या दुख देखा? पहले दाल को पिसा गया, फिर इसके बाद कढ़ाई में उसको सेका गया, फिर इसके बाद में उसको गोल गोल बनाया गया, फिर इसके बाद में फिर भी लोगों ने मिर्ची डाली, किसी ने नमक डाला, ने और तो और चटनी भी डाल डाली महाराज। इसके बाद में उसका नाम क्या पड़ा? बड़ा। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो पहले जिंदगी में गुरु बनना चाहते हो तो पहले शिष्य बनो, अमीर बनना चाहते हो तो पहले गरीब बनो, और अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो पहले जहर पियो महाराज, इसके बाद में आपको अमृतत्व का पान होगा। ऐसे ही सहलता से इस दुनिया में कुछ चीज नहीं मिलती ऐसा। एक लोहा कितना मजबूत होता है लेकिन उसको आग जला देती है। आग कितनी ताकतवर होती है जो लोहे को जला रही है, लेकिन आग को भी, आग से भी ताकतवर पानी होता है जो आग को भी बुझा देता है, और पानी से ताकतवर इंसान है जो उसको भी पी जाता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है। नारद जी ने एक बार नारायण से पूछा कि भगवान यूं बताओ कि 2400 घंटे आपका भजन कौन करता? मैं करता हूं कि ये दुनिया के लोग करते हैं? तो बोले ये दुनिया के लोग करते हैं। बोले मुझे विश्वास नहीं है। बोले 2400 घंटे वीणा लेकर के श्रीमन नारायण तो मैं जपता हूं और झूठ बोलते हो महाराज? बोले नहीं नहीं, ये दुनिया के लोग मेरा भजन करते हैं। बोले कि मुझे विश्वास नहीं है। तो नारद जी ने कहा इधर आओ, ये एक कटोरा लो। कटोरा दिया नारद जी को, समझना बात को, कटोरा दिया और उसको तेल से भर दिया और कहा कि नारद जी इस पृथ्वी के चार चक्कर करके आओ, लेकिन हाँ शर्त यह है कि इस कटोरे में से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए तेल का। नारद जी ने कहा एक बूंद भी गिर जा तो मेरा नाम नारद मत रखना। और नारद जी गए कटोरा लेकर के तेल का और पूरी पृथ्वी के चार चक्कर काट के 23 घंटे में आ गए। श्रीमन नारायण भगवान प्रणाम, क्या हुआ? आ गए काट के? हाँ। क्या इस कटोरे में से एक बूंद गिरा? नारद जी ने कहा कि किसी से भी पूछ लो, अब एक बूंद भी नहीं गिरने दिया मैंने। तो भगवान ने कहा कि यूं बता कि 24 घंटे का समय लगा लेकिन 24 घंटे में तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो नारद जी ने कहा नाम तो एक भी बार नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो तेल के कटोरे में था कि एक बूंद इसमें नहीं गिर जाए बाहर, तो मन तो उसमें है, तो फिर नाम ले नहीं पाया। और इन इंसान को देखो, ये दुनिया के लोगों को देखो महाराज, क्या भले ही 24 घंटे काम करते हैं लेकिन 24 घंटे में सुबह और शाम मेरा नाम रटते हैं महाराज, मेरा नाम जपते हैं। जपते हैं कि नहीं जपते हैं? हाँ, तो ऐसी कर रहे जैसे वास्तव में जपते हो, है ना? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। भगवान भी कहता है कि ये दुनिया के लोग, नारद जी से भी ज्यादा भगत मेरा यदि कोई है तो वो ये इंसान है। लेकिन इंसान को भगवान ने इतनी शाबाशी दी लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते हमारे, नहीं करते ना। तो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, मटकी फोड़ लीला और उलाना देने के लिए गोपियां आ गई। अब लीला चालू होती, क्या कहती गोपियां? अरे यशोदारी यशोदा, क्या हुआ? बोरे तेरे लालो तो बड़ो उदम मचावे हैं। अरे वो खाता तो खाता लेकिन बंदरों को भी खिलाता, और खाता तो खाता और मटकियों को फोड़ जाता, और मेरे रसोई घर को ऐसा कर देता जैसे 10-15 मेहमान जिम करके गए हो, क्या करें? तो एक गोपी से भगवान यशोदा कहती है कि मेरे लल्ला तो ऐसो नहीं करे हैं, और अगर तुम कह रही हो कि ऐसो करे हैं तो महाराज मेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ करके लाना। तो एक गोपी ने क्या इशारा किया, जो गोपी शिकायत लेकर के आती उसके घर पहले जाते, और रात के 12 बजे गए तो पहले क्या होता था कि स्त्रियों की चोटी भी लंबी हुआ करती थी और पुरुषों की दाढ़ी भी लंबी हुआ करती थी। आजकल तो स्त्रियों के तो छोटे हो गए और पुरुषों के बाल बड़े हो गए हैं, तो मालूम ही नहीं पड़ रही है कि ये स्त्री है क्या। तो यहाँ पर पहले स्त्रियों की चोटी लंबी हुआ करती थी और पुरुषों की दाढ़ी लंबी हुआ करती थी, दोनों पास में सहन कर रहे हैं। भगवान गए रात की 12 बजे, उसकी चोटी को उसकी दाढ़ी से बांध दिया और बांध करके रात में महल में जाकर के सो गए। सो गए तो अब पतिदेव की नींद टूटी तो पत्नी तो वैसे उड़ जाएगी,
अरे वो पतिदेव कह रही मेरे को सोने देना, मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? बोला आप मेरी चोटी क्यों खींच रहे हो? देखा तो महाराज दोनों की चोटी और दाढ़ी बंधी हुई है। ये हो ना हो ये कन्हैया का ही करतूत है। गई यशोदारी, यशोदा आज मालूम है तेरे लल्ला ने क्या काम किया है? बोले क्या? बोले मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो बताए तो यशोदा को भी हंसी आने लगी। बोले रंगे हाथ पकड़ करके लाना, भगवान कह रहे मैं तो 3 दिन से कहीं गया भी नहीं और ये झूठ बोलती है। अच्छा कितनों साणो बने हैं तू, कितनों भोलो बने हैं तू, तू रात को मेरे घर नहीं आया था? नहीं आया माँ, ये झूठ बोलती है, भगवान निवेदन कर रहे हैं। रंगे हाथ पकड़ूंगी। आज गोपी ने मटकी को ऊपर बांधा, ऊपर बांधा तो सज्जनों उस मटकी के ऊपर क्या बांधा? घंटी बांधी कि जैसे ही ये मटकी को पकड़ेगा घंटी बजेगी, मैं उठ करके पकड़ लूंगी। तो भगवान गए रात की 12 बजे। उसने कहा अच्छा आज मटकी ऊपर बांधी, ठीक है। श्रीदामा खड़ा हो जा नीचे, खड़ा हो गया। मधुमंगल इसके ऊपर चढ़ जा, मधुमंगल ऊपर चढ़ गया। अब मैं चढ़ता हूँ तीसरे पे, भगवान चढ़े छोटे से, वो झांकी अपने दिल में उतारे और पकड़ा। पहले उसमें से बंदरों को खिलाया, फिर नीचे के सखाओं को खिलाया और फिर खुद खाने लगे तो घंटी जोर से बजे। तो भगवान कह रहे हैं घंटी चुप, फिर हाथ डाला, फिर बंदरों को खिलाया, फिर सखाओं को खिलाया और फिर खुद खाने लगे तो घंटी जोर जोर से बजे। भगवान कह रहा है घंटी चुप। भगवान ने पूछा कि घंटी तुम भी क्या इन गोपियों की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो? यूं बताओ कि जब मैं खाता है बंदर खाते तो तुम नहीं बचती, मेरे सखा खाते तो तुम नहीं बचती, और मैं खाता हूं तो तुम क्यों बचती हो? तो घंटियों का जवाब सुनना। घंटियां कह रही है कि महाराज ये दुनिया के लोग अगर भोग लगाएं तो हमको बचने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन ठाकुर अगर भोग लगा रहा हो तो हमको मंदिर में बजाया जाता है महाराज, बजाया जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य आपने देखा होगा मंदिर में घंटी बजती है कि नहीं बजती है। ये चर्चा चली रही थी, इतने में तो गोपी उठी और नीचे के दोनों तो भाग गए और भगवान तो बात करने में लग गए, मटकी पकड़ करके लटक गए। अब लटक गए तो भगवान क्या करें? गोपी आई लल्ला मैं उतारूं। अब भगवान थर थर कांप रहे हैं और पकड़ा और उतारा। तेरी माँ कहती थी कि दम हो तो पकड़ करके रंगे हाथ लेकर के आना, आज रंगे हाथ लेकर के जाती हूँ महाराज। और हाथ पकड़ा और घूंघट निकाला और चलने लगी। तो पहले क्या होता था कि जो गुजरिया होती थी, गर्मी के दिनों में काम कम रहता था तो वो बाहर ओटली पर गुजरी के घर वाला गुज्जर बेटा रहते थे। तो हाथ पकड़ करके भगवान कह रहा छोड़ देना कि अब नहीं छोड़ूंगी और तेरे ये मासूम से मुखड़े पर मैं रिझने वाली नहीं हूँ। हाथ पकड़ करके आगे जाने लगे तो भगवान कह रहे गोपी छोड़ देना कि नहीं। तो उस गुजरी के घर वाला गुज्जर बैठा हुआ था और उससे कहा ओ भैया एक काम करोगे? हाँ प्रभु। तो बोले मेरे संग में आओ। पास में गए, हाथ पकड़ करके गुजरी घूंघट निकाल करके चल रही है। चलते चलते भगवान ने गुज्जर को आदेश दिया और भगवान क्या कह रहे गुजरी ए गोपी मेरा हाथ छोड़ देना। बोले नहीं छोड़ूंगी। बोले छोड़ देना। बोले नहीं छोड़ूंगी। एक काम कर मेरा ये हाथ छोड़ दे और दूसरा पकड़ लेना। बोले क्यों? बोले मेरे हाथ का खून रुक गया है। गुजरी को भी दया आई, उसने कहा ठीक है छोड़ा और दूसरा दे दे। तो भगवान इतने सीधे थोड़ी थे कि दूसरा हाथ दे देते। हाथ तो किसका दिया? पास में पतिदेव चल रहा था, उसका हाथ पकड़ करके संग में चल रहे हैं। तो वो गुजरी कह रही है, वो गोपी कह रही है कि हे लल्ला तेरो हाथ इतनो मोटो कैसे हो गयो? तो भगवान कह रहे हो कि तूने मेरो हाथ इतनो जोर से पकड़ियो है ना कि इस हाथ का सारा खून इस हाथ में आ गया, इसलिए मोटा हो गया। इतना कहकर के भगवान दूसरी गली से होकर के महल में जाकर के सो गए और दरवाजा खटखटाया। यशोदारी यशोदा बोले अब क्या हुआ? बोले तूने कहा था ना कि मेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ कर के लाना, ये देख आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर के लाई। तो यशोदा ने जैसे ही द्वार खोला तो देख करके घूंघट निकाल रही है। तो गोपी कह रही कि वाह तेरे बेटे को देख करके घूंघट निकाल रही है, शर्म आ रही है। तो यशोदा कह रही है कि जरा पीछे मुड़ करके देखो कि बेटा है कि पिताजी है। देखा तो महाराज मूछा करे थर थर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें और हाथ छोड़ा और यूँ कह रही है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो?
तो बोले महाराज जितनी भी मैंने गांव में इज्जत कमाई थी ना आज वणी पे सब पे थे पानी फेरी दी दो महाराज। बोले आप कहां से आ गए? बोले तू ही मुझे घसीटती हुई और घीसती हुई लेकर के आई यहां पर। तो बोले मैं तो लल्ला को लाई थी। तो यशोदा कह रही मेरा बेटो तो रात की 8 बजे ही सो गयो तो अतरी नींद आई रही हुई नहीं और थक गया था ना सो गया वो तो कहां पर आवाज लगा। यशोदा ने आवाज लगाई गोविंद ए लल्ला ए कन्हैया। नींद तो तैयारी थी आंखें मसलते हुए आया यशोदा के पल्लू के पीछे छिप गए और छिप करके गुजरी को गोपी को कह रहे हैं और पकड़ेगी मुझे। आज वो गोपी कहती है कि देख बिन काना वो मन नहीं माना इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। अरे इन गोपियों का ताना तो उल्हाना तो एक बहाना है। गोपियां कोई शिकायत करने नहीं जाती थी। काय के लिए जाती थी कि जिस दिन से गोपियों को पता चला है कि ये मामूली लड़का नहीं है ये तो पूर्ण ब्रह्म भगवान परमात्मा है तो उसी दिन से गोपियां तो सिर्फ कृष्ण से मिलने जाया करती थी है ना मिलने जाया करती थी। गोपियां कह रही है कि तेरे को हम नहीं देखती है ना कन्हैया तो हमारा मन नहीं लगता है हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है इसलिए हम तो सिर्फ ये बहाने से तेरे से मिलने आया करती है। ये गोपियों का भाव रहता है। गोपियां कोई शिकायत करने थोड़ी जाती थी क्या वो तो सिर्फ मिलने जाया करती थी। और इतने में तो एक गोपी आई वो कहती है कि छिप छिप आयो शाम लेके ग्वाल भाल रे अरे ऐसोरी हड्डी लोढ़ीट तेरो नंद लाल रे। छिप छिप करके आता और खाता तो खाता और मटकियों को भी फोड़ जाता। तो एक और गोपी है यशोदारी यशोदा तेरो लाला ने आज क्या काम किया। बोले क्या? बोले देख री यशोदा शाम तेरो बड़ो रारी रे अरे डगर चलत मेरी गागर फोड़ डाली रे। और जब मैं पकड़ने जाती हूँ ना तो क्या करता है अंगूठा दिखावे चाल टेढ़ी मेढ़ी चाले रे अरे ऐसोरी हड्डी लो ढीट तेरो नंद लाल रे ऐसोरी हड्डी लो मैया तेरो नंद लाल रे। जब हम उसको पकड़ने जाती है ना तो आंखें तो छोटी सी लेकिन फिर भी आंखें दिखावे वो तो मोहे लाल लाल रे ऐसोरी हड्डी लो ढीट तेरो नंद लाल रे। हम पकड़ने जाते हो तो आंखें तो छोटी सी लेकिन बड़ी बड़ी करके लाल लाल आंखें दिखाता और हमको डराता जैसे वो हमको खा जाएगा ऐसा नाटक करता है। इसलिए नटवर और नाटक करने वाला भी उसका नाम रख दिया। अब इतनी बुराई कोई करेगा अपने बेटे की और वो भी बुढ़ापे में दिया हुआ बेटा तो क्या माँ बर्दाश्त करेगी। यशोदा को थोड़ा क्रोध आया उसको क्रोध आया तो उसने कन्हैया को उठाया और गोदी में बिठाया और क्या कहती है पुत्र की बुराई मेरे कस जे करे जे माई अरे मेरो बेटो प्यारो तेरो काह कर आयो है। अरे मेरा लल्ला छोटे से बुढ़ापों में भगवान ने बुढ़ापे में एक बेटा दिया यशोदा को और वो भी तुम भवानी मंडी वालों को अखर रहा है। कह रहे हैं कि मोसे कहो कोटी को हुकाना को न कछु कहो अरे जाने कैसे करी मैंने एक पुत पायो है जाने कैसे करी मैंने एक पुत पायो है। अरे जैसे तैसे करके भगवान ने बुढ़ापे में एक बेटा दिया और वो भी तुम ब्रजवासियों को अखर रहा क्या कर डाला मेरे लल्ला ने। एक गोपी कहती है माखन खाया उसने तो यशोदा गई और एक एक हाथ में एक एक मटकी उठा करके ले आई और कह दिया के माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बेटी अरे दोनों दोनों ले जा जाको जेतो जितो खायो है जाको जितो खायो है मर। अरे जिसका 1 किलो खाया है तो डबल ले जाओ दोनों दोनों ले जाओ मेरे बेटे ने अगर जिसके घर का माखन खाया हो तो। इतने में तो गोद में बिठा लिया और रोते हुए कहती है यशोदा के गोद में पसारस हूँ गोरस के कार जाली
अरे गोद में परसारस हूँ गोरस के कार जाली, अरे आली गाली मती देवे मोगरी बनी को जायो हे, आली गाली मती देवे मोगरी बनी को जायो है। यानी कि इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि जैसे आपके एक दादाजी या कोई दादी जी एक पोते को गोदी में लेकर के बैठती है और पड़ोसन आकर के कोई गाल खींचती है, कोई बाल खींचती है, कोई गाल खींचती है, तो आप क्या कहती हो, क्या कहती हो कि रेवा दो रे मारे गरीब डीरो छोरो है रे मारे गरीब डीरो। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आली गाली मती देबे मो गरीबनी को जायो हे, आली गाली मती देबे मो गरीबनी को जायो, ऐसी बात कह रहे हैं। सज्जनों ये गोपियों का भाव है भगवान के प्रति। मन देखो कि हम जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन नहीं करती है ना, उस दिन हमारी हमारा मन नहीं लगता, इसलिए सिर्फ ये बहाना तो तुझसे मिलने का एक नाटक रच रही है। इतना भाव गोपियों का, इतना स्नेह, इतनी करुणावान मेरी गोपियां हैं। और यहाँ से आगे चल करके भगवान और बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो बड़े हुए तो गुटमुन गुटमुन चलते हुए वृंदावन में रमन रीति में पधारते हैं गोकुल में। और रमन रीति में जाकर के क्या किया,